राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव शुक्रवार यानी कि आज हुए हैं। इंदौर में जिला न्यायालय परिसर में मतदान के पुख्ता इंतजाम किए गए। मतदान के दौरान न्यायालय परिसर में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता के जरिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश सीबीआई उमेश कुमार श्रीवास्तव मुख्य मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तनवीर अहमद और विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त आलोक मिश्रा को मतदान अधिकारी बनाया गया है, जो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में प्रमुख मतदान अधिकारी की मदद करेंगे। 4,800 से अधिक मतदाताओं के मतदान की पात्रता भी है। स्टेट बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है और इंदौर शहर से 15 कैंडिडेट हैं और अपने विवेक अनुसार 1 से लेकर 25 तक वोट दे सकते हैं। सब वरीयता के हिसाब से जिसको भी जिस तरह से वोट देना वो दे सकता है। आप वोटिंग चल रही है सर? वोटिंग भी बड़ी अच्छी चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद 60-70% वोटिंग होने की संभावना है। और आप भीड़ को जिस तरह से देख रहे हैं, मतलब वकील साहब करीब करीब सभी यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। रिजल्ट इसमें स्टेट बार काउंसिल में काउंटिंग करीब विगत 1 माह तक चलती रहती है, 1.25 महीने। और इसमें प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है पहले वो सिलेक्ट हो जाता है, फिर सेकंड काउंटिंग होती है। इसलिए थोड़ी सी लेंथी काउंटिंग है और ये करीब 1 माह 1.25 महीने तक चलेगी।